लोन का सिस्टम ये है तो इट्स नॉट ए वैल्यू, इट्स नॉट ए गुड पॉइंट कि डेंटल
सर्जन को लोन मिले, क्योंकि लोन से क्लिनिक्स नहीं चलेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ने कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि भाई जो उस पर लोगों को फील हो कि डेंटिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है या डेंटल ट्रीटमेंट भी एक कुछ ज़रूरी है, अपना ओरल हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है। जब गवर्नमेंट ने लोगों को एजुकेट नहीं किया तो वो कैसे सोच सकते हैं कि भाई अगर हमें 6 लाख का लोन देके हम अपना क्लिनिक सेटअप करके लोग भी आ जाएंगे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। हमारे अपने घरों में ही है, हम सारे जानते हैं कौन एक कौन किसके घर का कौन ऐसा बंदा है जो हर 6 महीने पर डेंटल चेकअप कराता होगा, जो हमें पढ़ाया गया है अपने UG, ये तो बेसिक हमें UG में सिखाया गया था हर 6 महीने बाद आपको, जैसे फॉरेन में भी क्या होता है हर 6 महीने बाद डेंटल चेकअप कराते हैं, वो सबको होता नहीं है। तो जब वो सब नहीं होता तो गवर्नमेंट 6 लाख का लोन हमें देके भी क्या कर लेगी, तो उससे हमारा तो कोई फ़ायदा होना नहीं है, तो हमारा नुकसान ही है कि जो हमारा ये जो भी एजुकेशन चल रही है JKS-DCSE की वो बंद हो जाए और कुछ भी ना हो। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है, लोन तो होना नहीं चाहिए, जॉब क्रिएशन होनी चाहिए।